अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आदम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत तो होगे। सहेली अभी हो रही है अपनी, आज भी सहेली में है भ्रूण पांव के बच्चे। रायल एक चीज दिखाता हूँ, वो गाड़ी देख, मर्सिडीज। कैसे लगी गाड़ी? घर जाएगा इसमें, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। अभी बस घर पे जाना है, मस्त नहाना है, उसके बाद सीधा बत्ती गुल हो जाएगी। अभी भी प्लान बना था मेरा नाइट का कि अभी सीधा निकल जाएगी अपन नरिमन पॉइंट के लिए, बट नहीं यार, पूरी रात में जगह एडिटिंग ब्लॉग एडिट किया मैंने। 12 बजे मैं घर पे आया। क्लासेस का क्या हाल चाल? क्लासेस अभी बंद, अभी 11 तारीख को जाने का, पेपर देने, फाइनल पेपर देने जाना है। पेपर नहीं, फाइनल पेपर। फाइनल पेपर तो क्या प्रिपरेशन चालू हुई कि नहीं? कि बस ऐसी नहीं नहीं चालू करेगा ना, अभी करेंगे भाई। पेपर जब चालू होने दो ना, एक दिन पहले याद करने का, तो भेजो मेरे, तो मैंने भेजो भी नहीं रहते। अभी दोपहर के 2:30 बजे देखते हैं बाहर चल के कि दोपहर के क्या सीन रहते हैं। यूजुअली मैं दोपहर में जाता नहीं हूँ बाहर। ये जो चश्मा है ये भी जो है धूप में ब्लैक हो जाता है, तो जब से मैं इसको परचेज किया अब तक मैं धूप में गया ही नहीं कि इसको देख सकूँ मैं, और कितना टिंट हो जाता है, कितना ब्लैक हो जाता है, तो अभी वो भी पता चल जाएगा। ये भी सारा कुछ सेटअप है इफ्तारी के लिए, बाकी शाम के सीन तो मैं आपको दिखा दिया प्रीवियस व्लॉग में मेरे। क्या बोलते हो एरोप्लेन में बैठना? चलो बेटे, ब्लू वाली मेरी। सब सब भाई सब सब में नहीं आऊँगा, एक में आऊँगा खाली। फिर झूले हैं बाकी आसमान, झूले बैठो या नहीं? नहीं आसमान पहुँच जाएगा। बात तो सही है। ये भी पूरी की पूरी फुटपाथ खोद देती गई है। ये जो चीज़ें बड़ी काम की है, अपना सारे के साथ कार्ड वगैरह सब आ जाएंगे, एंड ये अपने रोड साइड पे मिलता है, काफ़ी सस्ता मिल जाता है एज कम्पेयर टू जो दुकान वगैरह होती है उसमें, तो जैसे मुझे कब से चाहिए था। ठीक है, नाकुद मौला, अगर आप इस वक्त ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं है, आप आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, बाकी शाम में जो हालत होती है वहाँ पर अभी तक रश नहीं नाकुद मौला में। मोहम्मद अय्यर, मोहम्मद अय्यर मैं आयू, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली मैं आयू। तो अभी हम लोग आए मुर्गी बोल रहे हैं, बाकी घर से बाहर निकल लो तो सुबह काफ़ी तगड़ी है, बट लेट्स से भी घर पे चल के क्या देखने मिलता जी ललचा है रहा ना जा। मोहम्मद अली स्कूटर चला रहा है, अरे मोहम्मद दयान पीछे बैठा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बाप रे बाप, एक हाथ से स्कूटर की सवारी हो रही है यहाँ पे। अरे बाप रे, स्टंट हो गया ये तो, स्टंट हो गया। ओहो हो, यार मैंने देखा कभी हाथ छोड़ के चला रहा एक्टिवा बंदा। A few moments later, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर भी अदा हो चुकी है। असर की नमाज जैसी हो जाती है वैसे फौरन जो है इस तारीख से यार शुरू हो जाती है मस्जिद में। ताकि आपको लास्ट में बताया था कि यहाँ पे अपने नाकुदा मोहल्ला में जो बेग मोहम्मद पार्क है वहाँ पे भी जो है सारी लेडीज जेंट्स जरूरतमंदों के लिए आम आदमी के लिए इफ्तार का जो है फुल सेटअप है वहाँ पे। तो इनकेस अगर आप आउट ऑफ टाइम हो जाते हो तो आप वहाँ पे जाकर इफ्तार कर सकते हो बैठ के आराम से सुकून से। सारे के सारे काम इफ्तार जो है घर पे जाकर देखना है कि आज से क्या तैयारी हुई अपनी इफ्तारी की। जैसे दरवाजे के पास बढ़ते हरे वैसे वैसे खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह घर में एंटोन के साथ में दिखे हमें मूंग की दाल की भजिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सिर्फ ये ही नहीं यहाँ पे भी है भाई कुछ, यहाँ पे कस्टर्ड है। वैसे शक्ल से तो लग रहा है मैंगो का होगा, मैंगो क्या था फिर केसर वगैरह कोई होगा। बाकी ये है आपने आज के इफ्तारी का सेटअप। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं दोपहर के वक्त बाहर नहीं जाता, इसका मतलब ये है दोपहर के वक्त मैं ज़्यादा बाहर व्लॉग नहीं करता क्योंकि एक तो गर्मी होती है, धूप होती है, शाम के वक्त एंड रात में आप मेरी हालत देख सकते हो पसंद है। अब दोपहर में सोचो मेरा क्या हालत होगा, मोबाइल भी मेरा पूरा गर्म हो जाता है जिसकी वजह से मैं दोपहर में व्लॉग नहीं करता हूँ। मुझे लगा नहीं था बट मेरे अनुमान के मुताबिक व्लॉग काफी शॉर्ट बनाए, इवन दो आज के में 10,000 से भी ज्यादा स्टेप्स हुए बट व्लॉग जो काफी शॉर्ट बनाया। भागा दौड़ी में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कुछ समझ में नहीं आता। लास्ट व्लॉग में जैसे आपने देखा मैंने ईद की शॉपिंग कर लिया, उसके अलावा जो चीज मैंने परचेज किया आपको दिखाना भूल गया था, जैसे कि ये फ्लिप फ्लॉप यानी कि चप्पल, अपनी जमाने में चप्पल ये कुछ मुझे यूनिक लगा, एनए भी रोड साइड से मैंने परचेज किया ये सेम चप्पल, ये सेम फ्लिप फ्लॉप जो मैंने शॉप में पूछा तो वहाँ पे इसका प्राइस था 600 रुपए। अभी आप बोलोगे क्वालिटी में फर्क होगा इसमें फर्क होगा, तो नहीं भाई, सेम टू सेम ए टू जेड डिटो। एंड ये मुझे कितने कपड़ा अगर मैं आपको बता दूं आप शॉक हो जाओगे। रिस्क देते हैं अल्लाह पाक, बाकी इंसान की कोई औकात नहीं है। जहाँ पे पैसे सेव होते हैं यहाँ पे पैसे सेव करना चाहिए, फिर चाहे कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप ये जो चप्पल मैं परचेज किया सिर्फ और सिर्फ रोड साइड से सिर्फ और 200 रुपए के। ये चप्पल मुझे रोड साइड से पड़ी सिर्फ 200 रुपए की, तो मैं क्यों खामखा 600 रुपए इसके लिए पे करूँ जबकि क्वालिटी एंड चीज सेम है। एंड द फनी पार्ट, जिसके दुकान में ऐसे चप्पल मिलते हैं वो प्राइस कम भी नहीं कर रहा था। अलग अलग जगह पे घूमो, प्राइस कंपेयर करो, उसके बाद जाके परचेज करो। कभी कभी ऐसे स्टील डील होती है, बाकी आगे समझ आ रहा हूँ। फ्लिप फ्लॉप्स आपको मैं पहन के बता दो, सोचा मिट्टी में पैर रखो क्या ही बड़ा फुटप्रिंट बनेगा।
एनीवेज अगर आपने स्टॉक में यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर द बॉटम ऑफ माय हार्ट। डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट एंड बाकी फॉर मोर अपडेट्स आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुक्रिया स्टॉक में यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, नेवर गिव अप। आपको बहुत जल्द स्टॉक में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। ये चप्पल ये फ्लिप फ्लॉप आपको ये चप्पल ये फ्लिप फ्लॉप